संबित पात्रा कौन है? ये संबित पात्रा इस देश का सबसे बड़ा गद्दार है, सबसे बड़ा गद्दार है संबित पात्रा। हमारे फ्री की MBBS की उस पर पढ़ाई की और आज तक एक किसी पेशेंट को नहीं देखा। कोरोना काल में कहाँ छुप गया था बिल में, कहाँ चला गया था, कहीं कंगना रनावत के बंगले में बैठा था, कहाँ बैठा था ये संबित पात्रा? डॉक्टरी का पैसा डॉक्टरी करनी चाहिए थी, वरना इससे वो पैसा वसूल किया जाए उस सीट पर जितना पैसा खर्च हुआ था। अरे जोन सा वो नेता ना बीजेपी का है, उसे बता दे तेरे फुप्पा गंगा जी पे जाग रहे हैं हर साल गंगा जी जामगढ़ के मेले पे, और कम से कम 1 करोड़ आदमी रहे यहीं गढ़ में ही, जो रहे यहीं तेरे पास में ही है, सबका टेंट लगे। अरे वो ना वहाँ ना लगा टेंट, यो लग गया मेला सा, और क्या मजे में रह रहे, यो बड़ा मेला लग गया। और सबसे बड़ी बात दिखे ना, तो यो भाई कभी मुझे मिला था ना, यो भाई मुझे मिला था है? ये मेला सरकार के नाम खत्म कर रखा है, और जो सरकार हमें फांसी लगा रही है उसे कौन देखेगा? हम तो कह रहे हैं कि बस तू अपने काले कानून वापस ले, सरकार चला, हम घर को चल रहे हैं, हमारे हम अपनी खेती करेंगे, तो हमें यही पता नहीं, तो उनसे कहना अब के उसकी थूतड़ी तोड़ेंगे जो हमें मिल गया कहीं, जो कह दे कि MSP पहले से घोषित करें। अब का किसान इतना गुस्से में है, बता देना उन्हें। और खुशहाल का तो तने देख लिया, सड़क पर पड़े कितने बढ़िया। जब से यह देश आजाद हुआ, पहले नेहरू इस देश का प्रधानमंत्री बना था, लोग बाग कहते थे अगर नेहरू मर गया तो कौन, शास्त्री जी आ गए, फिर कहा अगर शास्त्री जी मर गया तो एक का प्रधानमंत्री कौन है? तो भैया ये तो देश की संवैधानिक व्यवस्था है, ये चलती रहेगी। कल को मोदी मरेगा, 10 साल बाद मरेगा, फिर कौन तुम बताओ? जो रामदेव वहां बैठ कर कह रहा ना, यो ही कह सबसे ज्यादा, ये बिल बढ़िया है, तो जब तेरा खेती तेरे नहीं, लुगाई तेरे नहीं, घर बार तेरे नहीं, हवाई जहाज में कैसे जा, फिर हमारी जमीन में क्यों टांग अड़ा रहा? अगर हमारी फटी में टांग देगा तो इसकी टांग तोड़ के मेरे जैसी कर दी जाएगी। देशवासियों को घी खिलाते हैं गौ का देसी। अरे यार बार बार पूछो भाई, तुम ये देसी घी कौन सी गाय बंध रही है? शुद्ध खाव है हम अपने घर निकाल के, वो तो सारा रिफाइंड खुआ है सब, ये जितने भी कंपनी वाले देख रहे ना। देखिए एक स्मृति ईरानी है, हैं? जिस टाइम संसद में 300 रुपए का सिलेंडर मिलता था हम लोगों को, हैं? और 300 रुपए के सिलेंडर पर देश के प्रधानमंत्रियों को चूड़ियां भेंट कर रही थी, सिलेंडर सिर पर ठाव फिरे थी, आज हमारा सिलेंडर 692 रुपए का आया भाई, खत्म कर सब्सिडी की तो छोड़ दो, 692 रुपए का आया आज मेरे सिलेंडर है। अब कहाँ है वो स्मृति ईरानी, क्यों नहीं अब उसे अपने फुप्पा को जो चूड़ी भेजती, अब भेजे ना कहाँ बढ़गी भट्ट में। ये सांसद जितने बैठे हैं ना, ये सारे हराम का खाने वाले हैं, तो ये बेवकूफ बनाना है, पक्का जुमलेबाज, झांसाबाज, झांसाराम। देखिए देश का सबसे बड़ा झांसाराम अगर कोई है वो नरेंद्र मोदी है, प्रधानमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री पद संवैधानिक पद है, लेकिन ये नरेंद्र मोदी देश का सबसे बड़ा झांसाराम है। आज तक इसकी एक बताइए जो इसने कहा हो और वो सच हुआ हो। इसने कहा नोटबंदी में कि 50 दिन, भाइयों बहनों 50 दिन दे दो वरना जिस चौराहे पे कहेंगे, अरे ये सारे चौराहे हैं, सब गुस्से में बैठे हैं, ये गुस्सा है। देखिए सुप्रीम कोर्ट में गया है, उसमें 11 तारीख लग गई है सुनवाई की, और 60 नहीं है, शायद 62 या 63 हो गए हैं, सादत हुई है, कोई बात नहीं, बहुत है हमारे पास सादत देने के लिए। एक तो यही खड़ा तुम्हारे सामने ददीची की हड्डी, जब किसानों को चाहिए हथियार बनाने के लिए सबसे पहले जाऊंगा, तो ये तो चलती रहेंगी सादत, इसका सरकार जवाब देगी। सर जिस तरह से आप आ रहे हैं किसान आंदोलन में, जो आंदोलनकारी हैं किसान हैं, पुलिस उनको जगह जगह रोकती है, उनको प्रोफाइल चेक करती है, उनका पूरा पता ले लेती है आजकल। मैं भी देख रहा हूँ वो कौन सी पुलिस है, इन्हें मैना दिखाई दिया भाई, मैना दिखाई दिया इन्हें, मेरे से ले लो या तो वो पुलिस रहेगी, मैं रहूँगा आंदोलन में से मुझे रोक के दिखावे ना, ये कायरता का काम है। अगर किसी को अपना अधिकार मांगने जाना है और वहाँ पुलिस के आगे करते हैं, तो मैं इसके लिए एक ही कहता हूँ कि जब जब BJP डरती है पुलिस को आगे करती है। कम्युनिस्टों का नारा है क्या है? कम्युनिस्ट है उत्तर प्रदेश में, क्या कम्युनिस्ट, और क्या वहाँ से आए हैं, चीन से आए हैं कम्युनिस्ट, अमेरिका से आए हैं,
वे हिंदुस्तान में क्यों है? अरे तो आग समझने में ना आया क्यों कौन, अरे कौन सा प्रोफेसर है इनके पास? उस प्रोफेसर को भेज जाना असली वाले को, ये चपरासियों को भेज दे बार बार, कौन सा वो असली प्रोफेसर है उसे भेज दे, हम भी देख ले कौन सा समझाने वाला। ये तो वो बताओगे क्यों कर रहे, वे देश को दिखाना चाह रहे हैं। अरे वे हमारे बड़े हैं, कम से कम ये उनका डिसीजन है, अगर हम ना जाएं तो फिर कहेंगे किसान तो अड़के बैठ के मीठ बात करने भी नहीं आते, चित भी अपनी पट भी मेरी अंटा मेरे बाबा का ऐसा करना चाह रहे हैं, तो वो हम करन ना दे भाई। वे बुलाओ जितनी बार बुलाओ, हमें क्या करना? देख ऊपर वाले ने कैसी बढ़िया बारिश करी, खेत गेहूं में पानी लग गया, सब जगह पानी लग गया, देखिए बालक कैसे सेवा कर रहे, इससे बढ़िया सेवा मिलेगी? लेकिन इस बार जो दोनों उद्योगपति हैं वो कह रहे हैं कि हम तो डायरेक्ट किसानों से ना जमीन लेते हैं ना अनाज लेते हैं, हमको बेकार कोसा जा रहा किसानों के द्वारा। भाई एक बात तो बताओ, इस देश के दो ही उद्योगपति हैं, इस देश में जितने भी आज तक बीजेपी के राज में ठेके गए सारे 95% ठेके इन्हीं दो को मिले हैं, यही उद्योगपति हैं, सारा लोन इन्हीं को मिले है। अरे ये जो रफाल जो तुम टकराओ हो, ये 5 जहाज आ गए, इससे पहले हिंदुस्तान में जहाज ना आवे थे। संसाधन उनके पास है हर चीज, वो मजबूत है तो उन्हें मिलेगा ठेका जब किसे? अरे उस पे तो वो तो वो है क्या बोल लग रहा है, वो दिवालिया अनिल अंबानी तो दिवालिया है, जिसे ये ठेका दिया उस पे कौन सी रफेल की है? अरे अगर देना था तो हिंदुस्तान नॉर्को टैक्स को देते, जिसे हवाई जहाज बनाने का तजुर्बा है। अरे यार मेरे पे ट्रैक्टर चलाना आता नहीं और तुमने हवाई जहाज दे दिया, तो मैं तो मरुआ मरुआ तुम्हें भी मार लूंगा। लेकिन वो तो कहते हैं कि देश मजबूत हाथों में है, देश तरक्की कर रहा है मोदी राज में। अरे हम कद कह रहे हैं, देखिए कितना बड़ा मजबूत हाथों में, कितना देश तरक्की कर रहा, खाट से तो सड़क पर सो रहे, देखिए रे देखिए भैया इन्हें दिखा दिया, देखिए सारे अच्छा, और कैसा बड़ा मजबूत है, मील की पर्ची गांडा घेर रहे, उत्तर प्रदेश में खड़े हो है, और देखिए देखिए अभी एक, और हाँ इस पर पहले इस पर बात मैं करूँगा, पहले एक बात सुन, वे जो वहाँ कुत्ते आवे ना रोज टीवी पे, रुक जा मैं दे दूँ, कुत्ते जो आवे रोज टीवी पे भौंकने मुर्गे से लड़े वे हैं, क्योंकि क्या काम है वहाँ, वहाँ एक ही काम है, दो तो बैठेंगे हम जैसे हैं लड़ने वाले, एक सत्ता पक्ष एक विपक्ष, एक बैठेगा उन्हें समझाने वाला हैं, एंकर बैठ जाएगा सबको भिड़ाने वाला हैं, बस यही करेंगे वे, और क्या करेंगे, उनकी जो बहस होगी गरीबी की रेखा पे हैं, और बहस करेंगे रेखा की गरीबी पे। मैं कहूँगा कि मेरी पर्ची देख, ये पर्ची जीरो जीरो, और वहाँ बैठ के कहवे वे बहुत चिल्लावे कि हम MSP फसल आने से पहले जारी कर देते हैं, तो ये उसके बाप की पर्ची है, उसके बाप की जो वहाँ बोल रहे हैं, ये तो गन्ने की है। अरे गन्ना भी तो MSP पे बिक रहा, मील में और कहाँ पे बिक रहा, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट भी है उसमें, है यार कॉन्ट्रैक्ट है, और देख भाई इसमें रेट है जीरो जीरो। एक राजा ने कही कि मैं एक इनाम दूंगा सबसे बड़ा, जिसका बच्चा सबसे सुंदर होगा। अब एक सब अपने अपने बच्चों को लेके गए भाई, सबके गबरू जवान थे सुंदर थे, एक का मेरे जैसा भी था बेकूफ सा, बुढ़िया के वो भी लेगी, बोले भाई तू क्यों आई, अक मेरा बेटा है इसलिए सबसे जवान है, तो इसलिए ये धरती हमारी माँ है, इसे लेन नहीं दे किसी को भी। भैया वो राम बाबा रामदेव नहीं है, मैंने बताया तुम जैसे भकाए में आ गए, वो लाला रामदेव है, उसने तो ये भी कही थी भाई 15 लाख रुपए आवेंगे तारे खाते में, अन्नू करके आंख मार दी थी, समझे नहीं समझो, बहुत उज्ज्वला योजना करते हो तुम लोग, पहले उसकी सच्चाई जान के आग्रह पत्रकार महोदय, उस उज्ज्वला योजना का क्या है, इन्होंने कहा कि फ्री में सिलेंडर देंगे गरीबों को, चूल्हे दे दिए सिलेंडर दे दिए, और उनकी जो सब्सिडी आती थी वो नहीं उन्हें मिलेगी जब तक इसकी पूरी रिकवरी ना हो जाए, ये है उज्ज्वला योजना का सच। तो ये 700 रुपए में सिलेंडर भरवा दिया उनका, 800 में भरवा दिया है, किसान कैसे ले लेगा, गरीब आदमी 700 रुपए एक साथ कहाँ से लाभ इकट्ठे करके, हम तो आ गए 15 लाख के झांसे में, पर ये आ गए 2 करोड़ की नौकरी के झांसे में। अब जो 2014 में 18-20 साल के थे, आज वे 25-30 साल के हो, 25-26 साल के हो गए है, अब सालों के सबके ब्याह हो गए, एक एक बालक भी हो गया होगा, तो अभी ने रोजगार तो मिला नहीं किसी को है, तो अभी ने हर हर मोदी और
नू कह रहे हैं हर हर मोदी और लात मार मोदी, घर घर लात मार मोदी। सुन लो भाई, तुम्हारे काम किए बाल को, मैं बकरे ने की, कुछ कट गया, कुछ फिक गया, कुछ बिक गया बाजारों में, कुछ ले गया नद्दा खरीद के, नद्दा के धुने को, और जब पड़ी मार हथौड़े की धुनकी की, जब पड़ी मार धुनकी की, तो मैं की जगह तू ही निकलने लगा। तो मैं तो किसी बकरे की नहीं रही, इनकी तो हो गया। कि जो मोदी जी कहते थे ना, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, तो मोदी जी सुन लीजिए, आप कहते थे सौगंध मुझे इस मिट्टी की, तो मोदी जी के मैं था। हम कहते हैं सौगंध हमें इस मिट्टी की, हम ये देश नहीं बिकने देंगे, देश हमारी माँ है, हम ये देश नहीं बिकने देंगे, सौगंध हमें भारत माँ की, तिरंगा नहीं झुकने देंगे। और तीनों काले कानून वापस करा करके ही घर जाएंगे, वरना सीने पे गोली खाएंगे, अर्थी पे लौट के जाएंगे।